ग्राम रोजगार संघ ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरे प्रदेश से आए ग्राम रोजगार संघ के सदस्य शामिल हुए। ग्राम रोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोशन सिंह परमार ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने रोजगार सहायकों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन आज दिनांक तक नियमितीकरण का आदेश जारी नहीं हुआ है। वहीं इस मामले में अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि प्रदेश में लूट मची हुई है, आम आदमी के कोई काम नहीं हो रहे हैं। ये सरकार कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है, भांजे भांजियों की विरोधी है, गरीबों की विरोधी है, महिला विरोधी है। जनता के कल्याण और सेवा का भाव ही इनके अंदर नहीं है और इसलिए किसी के हित में काम नहीं हो रहे, केवल प्रदेश को लूटने का काम चल रहा है। इसलिए किसान भी आंदोलित है, कर्मचारी भी आंदोलित है और गरीब परेशान है। धरना तब होता है जब चारों तरफ के अंधकार अंधकार छाने लगता है, कहीं ना कहीं रोजगार सहायक का भविष्य उज्ज्वल नहीं दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार ने निश्चित तौर में सभी का भला किया है, लेकिन रोजगार सहायक है जो पूर्ण संपूर्ण ग्राम पंचायत का कार्यकर्ता है, उसका आज तक सरकार ने एक आदेश जारी नहीं किया। हमारा मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य धरना प्रदर्शन करने का कि रोजगार सहायक का नियमितीकरण किया जाए, वो भी समय रहते हुए। अगर समय रहते हुए आपने नियमितीकरण नहीं किया तो निश्चित तौर पर आपकी समस्त जन कल्याणकारी योजना ये रोजगार सहायक प्रभावित करेंगे। और आने वाले 5 नवंबर के बाद रोजगार सहायक आमरण अनशन पर बैठेगा, उसमें हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।